दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर सलमान खान की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में सलमान खान अपनी गोद में एक बच्चे को उठाए हुए हैं और दूसरे हाथ में एक आरती की प्लेट लेकर किसी की आरती उतार रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान इस वीडियो में किसी और की आरती नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के कर्ता धर्ता बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की आरती उतार रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कब हुआ और आखिर क्यों पहुँच गए सलमान खान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए दोस्तों करते हैं इस वीडियो का पर्दाफाश और मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्या है सच्चाई इस वीडियो की। देखिए अगर सलमान खान की बात करें तो बॉलीवुड में सलमान खान ही एक ऐसे सितारे हैं जो अपने घर में मुस्लिम फेस्टिवल्स के साथ साथ हिंदू फेस्टिवल्स को भी उसी तवज्जो से बनाते हैं जितना कि वो ईद और मुहर्रम को तवज्जो देते हैं, चाहे फिर वो गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, दिवाली का त्यौहार हो या फिर हो होली का त्यौहार। और दोस्तों हिंदू फेस्टिवल्स पर अमूमन देखा जाता है कि सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पिता तो मुसलमान है लेकिन उनकी माँ है वो हिंदू है और वो अपने माँ के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि उनकी माँ भी उनकी पूजा कर सके। और उनकी माँ के अलावा उनके घर में उनकी बहन अर्पिता भी हिंदू ही है, जिसके चलते सलमान खान अपने घर में सभी देवी देवताओं की पूजा पूर्व सम्मानजनक करते हैं। लेकिन दोस्तों इस वायरल हो रही वीडियो में जहाँ ये कहा जा रहा है कि सलमान खान बाबा बागेश्वर धाम की आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बाबा बागेश्वर धाम की नहीं है बल्कि गणेश चतुर्थी की है, जहां पर सलमान खान अपनी बहन अर्पिता के बेटे के साथ गणेश जी की आरती उतार रहे हैं, ना कि बाबा बागेश्वर धाम की। मतलब कि दोस्तों अगर कोई भी इस वीडियो को देखकर ये सोच रहा था कि ये वीडियो बाबा बागेश्वर धाम की है तो ये सरासर झूठ है और अभी तक सलमान खान बाबा बागेश्वर धाम पर नहीं गए हैं। और अगर सलमान खान अभी तक बाबा बागेश्वर धाम गए ही नहीं है तो वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी की आरती कैसे उतारेंगे। ऐसे में दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी झूठ साबित होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सलमान खान बाबा बागेश्वर धाम को नहीं मानते। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये वीडियो फेक है या फिर रियल, इसके बारे में दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।